हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था पार्ट वन वाली वीडियो में कि जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो पार्ट टू में हम सॉल्व करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इन द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड विच वेरिएबल एक्स वाई जेड एटसेट्रा रिप्रेजेंट रैशनल और इरेशनल नंबर्स। यानी आपके सामने कुछ वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बताना है कि जो वैल्यू फाइनली आई है वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1, यहां पर सिंपल इक्वेशन आपको गिवन है x² = 5। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √5। और आप जानते हैं √5 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर। ओके, सो दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। तो अब बात करते हैं पार्ट टू की। इक्वेशन आपको गिवन है y² = 9। तो दोबारा से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो चलिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट जैसे ही आप लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा y का वैल्यू √9, और इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 3। और 3 को आप इजीली लिख सकते हो p/q फॉर्म में, 3/1। तो आप क्या कहोगे, ये नंबर कैसा है, ये 3 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, दिस नंबर इज योर रैशनल नंबर। सो इन द सेम मैनर थर्ड पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा √0.04, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है, 0.2 का। और 0.2 को आप सॉल्व कर सकते हो, डेसिमल वैल्यू को हटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2/10। और 2/10 आपका p/q फॉर्म में है, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर। ओके, और पार्ट 4 को जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा √17/2। तो आप जानते हो यहां पर आपके दोनों ही नंबर है, √17 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल, और 2 कैसा है, रैशनल नंबर, ठीक है। जब भी आपके पास ऐसा केस हो, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब भी आपके पास ऐसा केस हो, रैशनल और इरेशनल दोनों ही नंबर हो, तो आप जानते हो क्वेश्चेंट ऑफ एन इरेशनल एंड अ रैशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो यू आने वाला है, ठीक है, यू कैसा होगा, इरेशनल नंबर। तो आपको याद रखना है जब भी ऐसा केस होगा तो आपका क्वेश्चेंट या फिर हम कह सकते हैं कि आंसर इरेशनल नंबर ही होगा। पार्ट 5 में आप सॉल्व कर लीजिए, यहां पर √3 आ जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसको देखकर बता सकते हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर ये किसी का भी नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो चलिए अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6 की, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए √27, तो ये आ जाएगा आपका 3 × √3। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब आपके पास मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, 3 और आपका इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल और रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हो, तो उस केस में आपका जो आंसर आने वाला है वो कैसा होगा, इरेशनल नंबर। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट पार्ट की। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा √0.4, और यहां से डेसिमल को हम हटा देते हैं तो आपके पास आ जाएगा √4/10, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 2 का, ठीक है, 2/√10। ओके, तो जब भी आपके पास ऐसा केस हो, मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन होने वाला है वो कैसा होगा आपका, इरेशनल नंबर। ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें पूछा गया है, गिव टू रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.23, 233, 233 and so on एंड 0.21, 21 and so on, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दो नंबर गिवन है, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान है, आपको इन दो नंबर्स को बहुत ध्यान से देखना है और आप आसानी से बता सकते हैं कि इनके बीच में रैशनल नंबर दो कौन कौन से हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको दो नंबर्स को इनको ध्यान से देखना है बस, और कुछ नहीं करना, आप इजीली बता सकते हैं।
तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लेते हैं। जो पहला नंबर है उसको मान लिया हमने ए और दूसरा नंबर है उसको मान लिया बी, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, ओके। तो बात करते हैं फर्स्ट प्लेस की, आप देख सकते हैं दोनों में सेम नंबर है 2-2, ठीक है। यहां से आप नहीं बता सकते कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पर, सेकेंड प्लेस पर, यहां पर 3 है यहां पर 1 है, तो आप डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ये नंबर आपका डेफिनेटली बड़ा होगा। तो आप बोल सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप फाइंड करते हैं इनके बीच में रैशनल नंबर्स, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, आपको अपना दिमाग का यूज करना है, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी आपको यूज नहीं करना है, सिंपल आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। मान लो वो नंबर आपका पहला वाला एक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 0.2। फर्स्ट प्लेस तो आपका सेम था तो आपने सेम लिख दिया 2। उसके बाद आप इस नंबर को देखो ए को, ओके। 2 के बाद क्या है 3, तो 3 से ज्यादा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 होगा तो वो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ए और बी के लिमिट से बाहर हो जाएगा। तो आपको तो निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो 3 से छोटा नंबर आप देखो, 2 आपका छोटा नंबर है तो आप 2 लिख दो, यहां पे आपका 2 है तो उससे भी छोटा लिख दो 1, ठीक है। ये रहा आपका एक रैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट रैशनल नंबर। अब आपको दूसरा निकालना है तो मान लो उसको y मान लो, ठीक है, बहुत आसान है। 0.22 मान लेते हैं उसको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्या ये दोनों नंबर इनके बीच में आते हैं, यस डेफिनेटली इनके बीच में आते हैं। तो हम बोल सकते हैं ये आपके दो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, इनके बीच में आने वाले, ओके। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बिल्कुल सेम है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, ठीक है। जिस लॉजिक से आपने उसको सॉल्व किया है वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला नंबर है उसको ए मान लिया जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ठीक है, और यहां पर इसको बी मान लिया। अब आप देखोगे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप देखकर बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, डेफिनेटली आपका बी बड़ा है, ओके। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने सीधा नंबर फाइंड किया था इसके बेसिस पर, जो नंबर बड़ा था उसके बेसिस पर हमने इसके बीच में रैशनल नंबर्स हमने फाइंड किए थे, ओके। तो अब क्या करोगे, 0.5 पहला नंबर मान लेते हैं, ये आपका x है, पहला नंबर है रैशनल नंबर, ठीक है, x 0.5, यहां पर 3 है और यहां पर 1 है। तो अगर इनके बीच का मैं एक वैल्यू ले लूं, मान लीजिए मैं यहां पर 2 ले लेता हूं, ठीक है, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, ठीक है। इसका मतलब है ये नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो ये नंबर कैसा हो गया, रैशनल नंबर, ठीक है। इसको हम यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ओके, क्योंकि ये आपका कैसा नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग, ओके, 0.52, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, रैशनल नंबर, इन दोनों के बीच में भी लाई कर रहा है। अब बारी आती है दूसरे नंबर की, 0.52, थर्ड प्लेस पे देखते हैं, यहां पर भी 5 है यहां पर भी 5 है, ठीक है, तो हम यहां पर 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5, 2, 5, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, आप देख सकते हैं ये जो दूसरा नंबर है इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, आप इसको यहां पर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दो रैशनल नंबर्स हो गए, दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहां पर आपसे पूछा गया है फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2101 एंड 0.2222 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0.2 bar। इसका मतलब है इन दो नंबर्स के बीच में आपको एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, ठीक है। फर्स्ट प्लेस आपका सेम है दोनों का, 2-2 है, और सेकेंड प्लेस की बात करें तो यहां पर 2 है तो इसका मतलब है, और ये यहां पर 1 है तो इसका मतलब हो गया कि B इज ग्रेटर देन A, ओके। तो आपको इनके बीच में आप नंबर निकालना है B और A के बीच में। तो मान लेते हैं वो नंबर आपका X है, ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं 0.2, ठीक है। तो आपने जैसे ही 0.2 लिखा इसका मतलब है इन दोनों के बीच में नंबर वो आने वाला है, ठीक है, इरेशनल नंबर आपका होना चाहिए। अब सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड प्लेस की, तो यहां पर हम अगर 2 लिख लेते हैं, ठीक है,
टू अगर यहां पर लिखते हैं तो ऑलमोस्ट आपके बी के बराबर है अभी तक। ओके, अब बात करते हैं थर्ड प्लेस की, तो थर्ड प्लेस भी अगर हम लिखते हैं तो वो आपका बी के बराबर ही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं वन। तो आप अगर ध्यान से देखें, टू टू वन, ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है, टू टू वन। ओके, और इस तरीके से ये नंबर चलता जा रहा है, तो इस नंबर को हमने इसी तरीके से आगे फॉलो किया, टू टू वन वन, टू टू वन वन वन, टू टू वन 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 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप इस नंबर को लिख सकते हो। तो ये नंबर आपका कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब है ये नंबर आपका हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, और यही हमें फाइंड करना था। ओके, इस तरीके से सिंपल आप अपना लॉजिक यूज करके इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहां पर आपसे पूछा गया है, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स। ठीक है, यहां पर आपके पास दो नंबर गिवन है और इनके बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है और एक निकालना है इरेशनल नंबर। ठीक है, आपको दोनों तरह के नंबर निकालने हैं इनके बीच में। इस बार देखो, इस बार भी आपका जो लॉजिक है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका चेंज नहीं होने वाला है, सिंपल लॉजिक है। आपको अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इन नंबर्स को ऑब्जर्व करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप इन दो नंबर्स को ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा नंबर बड़ा है, ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को आप देखोगे, यहां पर सेम है, यहां पर भी सेम है। सेकेंड प्लेस पर आ जाते हैं, यहां पर जीरो है, यहां पर भी जीरो है। ठीक है, यहां तक तो सेम है। थर्ड प्लेस की बात करते हैं, ये थ्री है और ये आपका वन है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसका मतलब है ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो आपको ए और बी के बीच में नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए यहां पर मान लेते हैं एक्स आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आप यहां से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, 0.30, यहां तक तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ आपका सेम है, 30 आपका सेम है। उसके बाद यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो इसके बीच में नंबर कौन सा आना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए, 1 और 3 के बीच में। 1 और 3 के बीच में आपका 2 आता है। ठीक है, तो अब ये नंबर आपका इनके बीच में हो गया। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हो ये नंबर कैसा हो गया आपका, रैशनल नंबर। आप इस नंबर को यहीं पर छोड़ सकते हो, तो आप कह सकते हो कि दिस इज योर आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, बट दिस इज ओनली योर रैशनल नंबर। व्हाट अबाउट द इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल के लिए आप क्या करोगे, इरेशनल नंबर के लिए मान लो ये आपका वाई है। अब इस नंबर को आप लिख सकते हैं 0.302। अब आप इसको लिख सकते हो जैसे यहां पर आपके टू जीरोज हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, फिर उसके बाद 2000 2000, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। सो दिस विल बी योर इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल क्यों होगा, क्योंकि ये नंबर आपका कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये नंबर आपका चलता ही जा रहा है, तो इस नंबर को आप बोल सकते हो इरेशनल नंबर। ये आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये इरेशनल हो जाएगा और ये आपका इरेशनल हो जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो आपको यहां पर थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बताने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। तो चलिए इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर लेते हैं। दो नंबर आपके पास गिवन है, सेम लॉजिक आपको यूज करना है। ठीक है, इस नंबर को आपने ए मान लिया, इसको आपने बी मान लिया। तो इस नंबर को जब आप सॉल्व करोगे तो एंड में आपके पास क्या होगा, 5 आपका वापस से आ जाएगा। और जैसे ही आपका 5 आता है, 5 आपके पास यहां पर था और 5 ही आपका नीचे आ गया। इसका मतलब है कि यहां से नंबर रिपीट करना स्टार्ट कर देगा अपने आप को। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये आंसर आता है, इसका मतलब है 0.714285, इसके बाद क्या आएगा, दोबारा से 714285। ठीक है, ये आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, बार बार आता रहेगा यही नंबर आपका। तो मैंने क्या किया, इस नंबर के ऊपर पूरा एक बार कर दिया। ओके, इसी तरीके से आपने इस नंबर को सॉल्व कर लिया और आपने देखा यहां पर आपका 9 आ गया लास्ट में, और 9 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब है ये नंबर भी आपका रिपीट करेगा। ओके, तो 8181, तो ये नंबर आपका कैसा होगा, 0.8181, ऐसे चलता रहेगा आपका नंबर। ठीक है, तो हमने क्या किया, 0.81 बार कर दिया। ओके, यहां पे हमने इसको लिख लिया। अब आपका क्वेश्चन आपसे कहता है
कि इन दो नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, ओके तीन आपको बताने हैं इरेशनल नंबर्स। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप नंबर्स को देखो, ए आपका ये वाला नंबर है ठीक है 0.714285 और बी आपका है 0.81। तो आपको देखना है कौन सा नंबर बड़ा है। तो ऑब्वियसली यहां पर आपको देखना है फर्स्ट प्लेस ये 8 है और यहां पर है 7। तो आप कह सकते हो, देखकर बता सकते हो कि बी आपका बड़ा नंबर है और ए छोटा है। तो आपको एक ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों के बीच में लाई करता हो। तीन नंबर आपको फाइंड करने हैं रैशनल, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर आपका कैसा होगा 0.7, ओके। तो नंबर कैसा होना चाहिए, इससे आपका छोटा होना चाहिए, 0.81 से छोटा होना चाहिए और ए से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तभी इन दो नंबर के बीच में वो नंबर लाई करेगा। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 0.7, उसके बाद 2 कर लेते हैं। यहां पर आपका 7 था और जो दूसरा सेकंड प्लेस है 1 की जगह मैंने 2 कर लिया, यानी इस नंबर से थोड़ा सा बड़ा हो गया और B से छोटा हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये आपका सेटिस्फाई करता है 720 7200। इस तरीके से आप इस नंबर को लिखते रहोगे तो ये आपका हो जाएगा इरेशनल नंबर। इन द सेम मैनर अगर मुझे दूसरा नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे 0.7 यहां पर 3 लिख दोगे, सेकेंड प्लेस पर 3 कर दोगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपका 730 7300। इस तरीके से आपका दूसरा इरेशनल नंबर निकल जाएगा। तो लास्ट वाला नंबर भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो 0.7407400... इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये आपका लास्ट इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी आपके तीन इरेशनल नंबर फाइंड आप कर चुके हो। बहुत सिंपल है, वही लॉजिक हमने यूज किया है। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो नंबर मैंने लिखा है आपको भी वही लिखना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बहुत सिंपल है, आपका मेन फोकस होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए कि इन दो नंबर के बीच में आपका ये तीन नंबर आपके आने चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, 0.750 समथिंग ऐसे करके लिख सकते हो, 0.760 7600 इस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपका इन दो नंबर के बीच में वो लाई करना चाहिए, बस आपको ये कंडीशन देखनी है, बाकी फिर आपका काम हो जाएगा, बहुत आसान है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेवल टू की। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ टू इरेशनल नंबर्स हूज, और यहां पर आपको काफी सारे स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, आप एक बार खुद से ट्राई करें। सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर्स आपको यहां पर यूज करने हैं और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप खुद से एक बार इसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि हम रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही पढ़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इनका आंसर जो है निकाल सकते हैं। आप अपना लॉजिक यूज कीजिए, अपना दिमाग यूज कीजिए, डेफिनेटली आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यहां पर आपसे पूछा गया है फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.5 and 0.55, ओके। तो बहुत सिंपल है, दो नंबर आपके पास गिवन है, वही लॉजिक आपको यूज करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेते हैं ए और इस नंबर को मान लेते हैं बी, ओके। तो अब जब आपको फाइंड करना है फर्स्ट इरेशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले तो देखना है कौन सा नंबर आपका बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो आप देखकर बता सकते हैं, इस नंबर को आप लिख सकते हो 0.50, ठीक है, और ये नंबर आपका हो गया 0.55। तो यहां से देखकर तो आप बता ही सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है, डेफिनेटली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ओके। सो यू कैन से बी इज ग्रेटर देन ए। तो चलिए यहां पर हम नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। पहला नंबर हम x मान लेते हैं और दूसरा नंबर y मान लेते हैं। तो आपका पहला नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा, 0 डेसिमल पॉइंट 5, ठीक है। फर्स्ट आपका फर्स्ट प्लेस आपका 5 है दोनों में, तो आप 5 लिखोगे। उसके बाद 1 कर सकते हो, 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि यहां पर आपका 0.50 था, यहां पर 0.55 था, तो 0.51 इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है, 0.510 5100
ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि यही नंबर आपको लिखना है, आप अपने हिसाब से कोई भी नंबर लिख सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि इन दो नंबर्स के बीच में ही आपका वो नंबर लाई करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो डॉट डॉट डॉट। दूसरा नंबर आप कैसे लिखोगे, 0.5। क्या मैं 2 कर सकता हूं, ये नंबर तो आपका सेम रहेगा 5, यहां पर आप 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो 520 52 00 52 000, आप इस तरीके से इस नंबर को लिख लोगे। ठीक है, तो ये आपके हो गए दो इरेशनल नंबर्स। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है फाइंड टू इरेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 0.1 एंड 0.12। तो यहां पर भी आपको वही सब चीजें करनी है जो अब तक हम करते हुए आए हैं, वही लॉजिक आपको यूज करना है। तो यहां पर इसको आपने मान लिया ए, इसको मान लिया आपने बी। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.1 को आप लिख सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए 0.10। ओके, इसके बाद इसको आप लिख सकते हो 0.12। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो। अब आपको देखना है कौन सा नंबर आपका बड़ा है, ऑब्वियसली आपका बी जो है वो ग्रेटर देन है ए से। ठीक है, आप देखकर ही इसको बता सकते हो। अब आपको इनके बीच में नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स इनके बीच में आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही होगा, तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये छोटा नंबर है तो इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस आपका 1 रहेगा, और अगर मैं यहां पर 0 रहने दूं और उसके बाद 1 लगा दूं, तो ऑब्वियसली मान लो अगर मैं इसको मान लेता हूं 0 120, और ये आपका हो गया 101। ओके, और इसको हम मान लेते हैं 0, तो ये 100 है, ये आपका 120 है। तो 101 आपका इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, ना इससे छोटा होगा ना इससे बड़ा होगा, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो आप इस तरीके से इस नंबर को लिख सकते हो। ठीक है, यह आपका हो गया इरेशनल नंबर। और दूसरे नंबर को लिखने के लिए क्या करोगे, 0.1, ये तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, फर्स्ट प्लेस आपका 1 ही रहेगा, और यहां पर हमने लिख लिया 1। ठीक है, अगर 1 भी लिखते हैं और यहां पर हम 0 कर देते हैं तो 110, तो 110 भी इन दोनों नंबर्स के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस नंबर को आगे बढ़ा दोगे और ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये दो नंबर्स आपके कैसे हो जाएंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रूफ दैट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर आपको प्रूफ करना है इस नंबर को कि ये नंबर आपका कैसा है, इरेशनल नंबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो नंबर है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इसको आपने मान लिया एक रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर मानने के लिए आप इसको a बाई बी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको x मान लिया है। ठीक है, a बाई बी को x मान लिया है। ओके, इसके बाद क्या करोगे, आपको स्क्वायर लेना है, दोनों तरफ आपको स्क्वायर लेना है। तो जैसे ही आप स्क्वायर लेते हैं तो यहां पर आपके पास अंडर रूट 15 की वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो अंडर रूट 15 आपकी कैसी वैल्यू है, इरेशनल नंबर। तो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये आपकी वैल्यू होगी इरेशनल नंबर। कैसे, एक्स को आपने माना है रैशनल नंबर, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपका कैसा आएगा, रैशनल नंबर। और 8 आपका ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है, 2 भी आपका रैशनल नंबर है, तो यहां से आपका एक रैशनल नंबर आएगा, और डिवाइड करोगे तो रैशनल नंबर से ही डिवाइड करोगे, तो अल्टीमेटली आपका यहां पर एक रैशनल नंबर ही आएगा। ओके, आगे बात समझ में। तो आप यहां से देखकर कह सकते हो कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका रैशनल नंबर है। ठीक है, और हमने यहां पर माना था इसको x। ठीक है, ये आपका क्या था, रैशनल नंबर था आपका। ओके, लेकिन रैशनल नंबर आपका बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर नहीं हुआ, इरेशनल नंबर के। तो यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके जस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये। तो ये जो हमने यहां पर माना था इस एक्स को, इसके बराबर रैशनल नंबर मान के चला था, लेकिन जब हमने यहां पर इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला जानने को, कि ये नंबर तो आपका एक रैशनल नंबर है और आपस में ये दोनों नंबर्स आपके बराबर नहीं होते हैं।
तो हम कह सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन वी कैन से अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर।